आजकल पंजाब के किसानों द्वारा धान के खेतों में पराली जलाने के कारण हुए हादसों की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिससे सड़क किनारे पेड़ भी जलने लगते हैं और आग सड़क के किनारे तक पहुंच जाती है, सड़क तक पहुंच जाती है। फतेहगढ़ चूड़िया विधानसभा क्षेत्र के किला लाल सिंह गांव में एक निजी स्कूल के बच्चों से भरी बस के साथ बिजलीवाल गांव के पास ऐसी ही घटना घटित हुई, जब भीषण आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस में सवार कई बच्चे आग की चपेट में आ गए। फतेहगढ़ चूड़िया निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अधिकारी लखविंदर सिंह संघेड़ा ने बताया कि लोगों ने बहादुरी से बच्चों को आग की लपटों से बचाया और घायल बच्चों को इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल भेज दिया। फतेहगढ़ चूड़िया से राजीव सोनी जी की एक रिपोर्ट। कृपा की न्याणे बच गए जे सारे जाप दे बाकी हम गिणिया पता लगूगा जी। हाँ वेखो की हाल जे बस का। हाँ वेखो जी आने वाली बस बच्चों नाल लदी हुई आ देखो हादसा ग्रस्त हो गई है। किस गलती दे करके कि नाड़ नू अग लाउंदे करके इन्ना कु नुकसान हो चुका कि बच्चे कुछ झुलस चुके ने, कुछ बच्चों सटां लग गईआं, बहुत बच्चों का नुकसान होया, बैग वगैरह जो भी सारे सड़ चुके ने। सिर्फ तो सिर्फ एक नाड़ नू अग लाउण दा कारण ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਗੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।